जी आज होने वाला है एक अशरफ मखलूक के एक और बंदे का निकाह, और ये रिश्ता इस जवाब में बनने वाला है। तो कैसे हुआ सब बताता हूँ, रुको वीडियो देखो। भैया निकाह के लिए ये पेन लाया गया था शोखिया मारने के लिए। निकाह तो 10 रुपए वाले पेन से भी दस्तखत हो सकते हैं और 1000 वाले पेन से भी दस्तखत ही हो सकते हैं। मेरी सिस्टर ने आके पेन दिया और कहा कि जाके देखे और धूल्हे को। मैं पेन तो यहाँ पहले साइड पर देता हूँ, पहले चला जाता हूँ वॉशरूम नहाने धोने के लिए, सब फ्रेश हो जाऊँ सुबह सुबह। मैंने कहा फ्रेश हो जाऊंगा, 12 बज चुके होते हैं, फ्रेश हो जाता हूँ। तो एक बज चुका होता है उस टाइम पे, फ्रेश होने के बाद 35 सेकंड का रास्ता होता तो मैं उनके घर की तरफ रवाना हो जाता। ये मोर की दुम वाला पेन लेके आगे जाके पहले देता हूँ कजन को, भाई ये ले तेरा पेन मोर की दुम वाला। ये मोर की दुम वाला पेन लेके खुश हो जाता है और इसकी खुशी काबिल दीद होती है बहुत। और मेरी नजर से गुजरा ये पहला दूल्हा होगा जो अपनी शादी से पहले भी बहुत काम कर रहा होता है, उसके कोई कमरा अभी तक तैयार नहीं हुआ होता है, गाँव के कमरों में बनने में थोड़ा टाइम लगता है और रंग भी आप देखो अभी फीका फीका लग रहा है। फिर मैं उसको मोर की दुम वाला पेन देने के बाद आ जाता हूँ मस्जिद, वहाँ पे मैं जोर की नमाज अदा करता हूँ थोड़ा सा, फिर कजन के साथ चहल पहल करता हूँ और चहल पहल करने के बाद असर की नमाज के बाद हम लोग चले जाते हैं निकाह पे। इसका निकाह होता है नमाज असर की नमाज अदा करने के बाद हम लोग निकाह पे चले जाते हैं। हम लोग हरियालों से खेतों से निकलते हुए हम लोग घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सारी बिरादरी वसेब आई हुई होती है, मतलब लोग आए हुए होते हैं, फैमिली हमारी आई हुई होती है जो और पड़ोस वाले होते हैं, और यहाँ पे मुफ्ती साहब निकाह खवा साहब आए हुए होते हैं। और यार निकाह जैसे स्टार्ट होता है सबकी नजरें इसके पेन पे होती है, जैसे जैसे लोग इसके पेन को देख रहे होते हैं, ये पेन रैपर से निकाल रहा होता है और वसेब इसके पेन को देख रही होती है। एक्सपेंसिव पेन से दस्तखत करता है और एक्सपेंसिव दुनिया में ये एंट्री मार रहा होता है, मतलब इस दवाई की दुनिया में कदम रख रहा होता है। अल्लाह ताला इसको खुशियां दे और इस पेन से ये दस्तखत करता है। और निकाह होने के बाद हमें पतासे मुझे तो नहीं मिलते, मैं कजन से एक पतासा खींच के खा लेता हूँ। निकाह होने के बाद सारी बिरादरी वसीब चली जाती है और हम लोग मामू के घर होते हैं तो हम लोग मामू लोगों के साथ एक दावत चले जाते हैं। हमें दावत होती है तो हम लोग वहाँ पे खाने के लिए चले जाते हैं शाम के खाने के लिए। और मैं अक्सर लोगों को बहुत कम जानता हूँ गांव में, क्योंकि अक्सर मैं कराची में ही रहता हूँ। वहाँ पे जब पहुंचते हैं तो सालन वालन आ जाता है, सालन बड़ा टाइट बना हुआ होता है। हम खाना स्टार्ट करने के बाद फ्रूट आते हैं, फ्रूट भी खा लेते हैं। उसके बाद हम खाना वाना खाने के बाद 10-11 बजे तो हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो उनके घर से हमारे घर का डिस्टेंस कोई 10-5 मिनट का था तो हम लोग 10-5 मिनट में घर पहुंच जाते हैं। आपको आगे भी वीडियो दिखाऊंगा इस शादी के बारे में, देसी शादी के बारे में। कनेक्ट रहिएगा, फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।